Hello, welcome to Matrubhumi new channel. आज के वीडियो में पार्लियामेंट में जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड अमेंडमेंट बिल 2019 जो पार्लियामेंट में जो इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ. इस बिल किसके लिए इंट्रोड्यूस किया और इस बिल से क्या इकोनॉमी में और सोसाइटी में क्या चेंज आने वाले, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये इंसॉल्वेंसी क्या होती है? इंसॉल्वेंसी जो होती है, अगर कोई भी अगर किसी से बैंक से लोन लिया और किसी से इंडिविजुअल से लोन लिया, जैसे कंपनी हो सकता है, किसी पर्सन हो सकता, बट जो लोन है रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, इसका बोलते हैं इंसॉल्वेंसी. वो पेमेंट नहीं कर पाते, उसी को इंसॉल्वेंसी बोलते हैं. सो कई कंपनीज है ऐसे, बैंक से लोन लेती है बस इसको रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, इसका वजह से ये इंसॉल्वेंसी बिल के अंदर सरकार ने बहुत चेंजेस ला रही है. ये बिल को बहुत स्ट्रांग बना रही है. इसका वजह से कोई भी डिफॉल्टर, अगर कोई भी बैंक को डिफॉल्ट नहीं कर सके, अगर जितना भी लोन दिया उसका अमाउंट है, उनके एसेट्स है, जो भी एसेट्स उनको बना हुआ है उसके एसेट्स के थ्रू इसको बैंक को रीपेमेंट करने के लिए ये एक्ट है, सरकार को पावर दे देती है. ये एक्ट से क्या हुआ, जो कोई भी बैंक्रप्टसी और इंसॉल्वेंसी बनना के लिए वो डरेगा, कोई भी कंपनी है इंडिविजुअल है बैंक से लोन लिया तो उसका जरूर रीपेमेंट करना पड़ेगा, अगर रीपेमेंट नहीं किया तो उसका सरकार ने उसका पूरा एसेट्स पूरा प्रॉपर्टी सरकार ने लेके उसको बैंक को रीपेमेंट करना के लिए सरकार को और कोर्ट को ये एक्ट पूरा पावर देती है. इसको वजह से ये पार्लियामेंट में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्ट कोड अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड और अभी लोकसभा में अभी चर्चा हो रही है. टुडे 1 अगस्त 2019 टुडे बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा. इस बिल के बारे में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात कर रहा है, पर्टिकुलरली ये कल्याण बनर्जी ने बात किया हुआ है इस बिल पे क्या क्या होना चाहिए, और तमिलनाडु से कनीमोजी करुणा नदी भी बात किया हुआ है डीएमके पार्टी से, ऐसे आंध्र प्रदेश से मागुंट श्रीनिवास रेड्डी भी इस बिल के बारे में बात किया हुआ है. इस बिल के अंदर वेलकम किया हुआ है मागुंट श्रीनिवास जी, तो ये बिल को बहुत वेलकम किया हुआ है, ऐसे बिल के लिए अप्रिसिएट किया हुआ है. इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी लाना पड़ेगा करके कई मेंबर्स इसको सरकार को सजेशन किया हुआ है. इस बिल से अभी सोसाइटी में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्टसी करने से सभी लोग डरेगा, और रियल एस्टेट में इसको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और कस्टमर्स को उससे बहुत इम्पोर्टेंट है, कंपेंसेशन मिलेगा. कोई भी अगर